कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है फ्लावर कीमा कचौरी, जो कि बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। है तो कॉमन सी लेकिन है बहुत यूनिक अंदाज में। तो मैं इसको आज आपको बनाना सिखाऊंगी, फ्लावर कीमा कचौरी, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, बहुत ही यूनिक इसका टेस्ट होता है। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, फर्स्टली हमने इसकी डो बनानी है। तो डो के लिए हमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, हमने यहाँ पर ले लिया है एक कप फ्रेश मिल्क ले लिया है, जिसको हमने नीम गरम कर लिया है। इसके अलावा हम भर कर लेंगे एक कप मैदा ले लेंगे और हम बटर इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं और तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ये फ्लावर कीमा कचौरी है तो इसलिए मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब हम ये सारी कीमा कचौरी के लिए, जो कि हमने फ्लावर कीमा कचौरी बनानी है, उसके लिए हमने डो बनानी है। तो फर्स्टली हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया और बॉल में हम शामिल कर देंगे एक कप हमने जो मैदा लिया था वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, हमने ये डाल दिया है, हमने एक बॉल लिया है और उसमें हमने एक कप भर के मैदा डाल दिया है, जिसको हमने अच्छी तरह छान लिया था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। देन हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को डालकर। जब भी सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन। मैंने यहाँ पर मक्खन को अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून डाल दिया है मक्खन और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मैंने यहाँ बटर डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया और साथ ही इसमें शामिल करती जाऊंगी हस्बे जरूरत दूध, जो कि हमने नीम गरम ले लिया है। डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने एक साथ डाल दे तो हमारी जो डो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए बहुत ज्यादा और नहीं बहुत हार्ड चाहिए, हमने नॉर्मल रखना है डो को। तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें दूध डालते रहना है और इसको मिक्स करते रहना है और इसको डो की शेप देनी है। यहाँ गूंद लेती हूँ दूध डाल के, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या आखिर में शेप आ रहा है। हमने यहाँ पे जो एक कप दूध लिया था उसमें से ये देखें सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचा है। और अब मैंने यहाँ पर एक टेबलस्पून और मजीद बटर लिया है मेल्ट हुआ हुआ और मैं इसको अच्छी तरह मजीद गूंद लूँगी। मैंने इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह गूंदा है और मजीद इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी ताकि हमारी जो डो है वो बहुत ही परफेक्ट बने और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। बहुत ज़्यादा इसको हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना, बस नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली हम घर में आटा गूंद रहे होते हैं उसी तरह हमने रखना है, लेकिन उसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है हमने, ताकि जो हमारी जो कचौरियाँ बने वो बहुत ही मज़ेदार सी बने और बहुत ही अच्छी बने। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अंदर डाला था बटर को मेल्ट हुआ हुआ और 2 टेबलस्पून से मैंने मज़ीद इसको गूंदा है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा इसका डो बने, इसकी बहुत अच्छी डो बने, मज़ेदार सी और बिल्कुल सॉफ्ट सी हमने इसकी डो बनानी है। और दूसरा आटा गूंदने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपकी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बने और बहुत ही क्रिस्पी सा उसका टेक्सचर आए। ये हो गई है और मैंने इसको बटर का हाथ लगा दिया है इसके ऊपर ताकि हमारी जो डो है वो परफेक्टली रेडी हो जाए। और मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी कवर करके, ताकि जो हमारा डो है, ये जो हमारी डो है कम्प्लीटली परफेक्टली रेडी हो जाए। हमने फ्लावर कीमा कचौरी के लिए डो बना ली है और उसको हमने 1 घंटे के लिए स्टे होने के लिए रख दिया है। और अब हम बनाएंगे कीमा। फ्लावर कीमा कचौरी के लिए हमने बनाना है कीमा। कीमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली है एक प्यारी भर के कीमा ले लिया है, जो कि हमने मशीन से निकलवा लिया था 2 दफ़ा, क्योंकि हम ये फ्लावर कीमा कचौरी के लिए बहुत ज़्यादा ड्राई कीमा बनाना है और थोड़ा सा पिसा हुआ कीमा होना चाहिए, जैसे कि हम कोफ्तों के लिए बनाते हैं उस टाइप का। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने 1 कप दूध लिया था वो हमारा बच गया था, और जो हमारा बच गया दूध वो हम इसमें डालेंगे ताकि हमारा बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सा फ्लेवर आए कचौरियों का। सेकेंड, हमने यहाँ पर एक लार्ज प्याज ले ली थी और उसको हमने चॉप कर लिया है, चॉप करके हमने उसका पानी निकाल लिया है। इसके अलावा हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर हमने
हरा धनिया और हरी मिर्चों को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया था हरा धनिया और 3 अदद हमने यहाँ पर ले ली हैं हरी मिर्चें, उसको हमने अच्छी तरह चॉप कर लिया था और हमने यहाँ पर हरा पेस्ट यहाँ बना लिया है। इसके अलावा हमने जो स्पाइसेस इसमें ऐड करनी है, 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून दक्कनी, इसको हम सफ़ेद मिर्चें भी कहते हैं, और इसके अलावा हमने शामिल करनी है 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा सफ़ेद। इसके अलावा हमने इसमें शामिल करना है 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया जिसको हमने अच्छी तरह पीस लिया है, और इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट कीमा बनाते हुए इसको यूज़ करना है। अब चलते हैं प्रॉपरली अपनी रेसिपी की तरफ। इसलिए हमने यहाँ पर एक पैन लेना है और पैन में हमने जस्ट 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर डाल दिया है बटर, बिकॉज हम फ्लावर कीमा कचौरी बना रहे हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं बटर, बट आप ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो इसमें घी या तेल भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ले लिया है बटर, उसको अच्छी तरह कर लिया है मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चॉप हुई भी प्याज जिसका मैंने पानी निकाल दिया था, क्योंकि हम ये ड्राई कीमा बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर चॉप हुई भी हमने यहाँ पर डाल दी है प्याज, और मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी फ्राई। मैंने यहाँ प्याज को अच्छे तरह सॉफ्ट कर लिया है, हमने इसको कलर चेंज नहीं करना, हमने जस्ट इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी हमारा जो कीमा था एक प्याली, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसको भी मैं अच्छी तरह कुक कर लूंगी। मैंने 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे किया है कीमे को अच्छी तरह कुक बटर और चॉप हुई प्याज के साथ, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल, और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक कर लूंगी। लहसुन डालकर इसको 2 से 3 मिनट तक कुक किया है, और अब मैं इसमें डालूंगी शामिल करूंगी दूध। मैंने दूध डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक मजीद कुक किया है, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी स्पाइसेस, लाइक हमने इसमें शामिल करना है हल्दी पाउडर, और इसके अलावा हम काले मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर, नमक, कुटा हुआ धनिया जो हमने इसको पीस लिया था, सफेद मिर्च पाउडर डालेंगे, और हमने पिसा हुआ साबुत जीरा इसमें शामिल कर देना है। सारी स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और उसको हम अच्छी तरह कुक कर लूंगी। मैंने कीमे को 10 मिनट तक लो फ्लेम पे किया है कुक, और ये अच्छी तरह गल गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्कुल मशीन का 2 बार पिसा हुआ हमने लिया है यहाँ पे कीमा, और ये हमने जो इसमें दूध डाला था और अदरक लहसुन डाला था इसको हमने डालकर उसको अच्छी तरह कुक कर लिया था, तो ये अच्छी तरह गल गया है। लास्ट में इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया जो हमने चॉप कर लिया था हरी मिर्चों के साथ, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च चॉप हुई भी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करूंगी, 5 मिनट तक दम पे इसको रख दूंगी ताकि ये मजीद इसका अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए, जब मैंने इसमें हर चीज़ डाली अच्छी तरह कुक हो जाए और हमारा कीमा परफेक्टली रेडी हो जाए। मैं इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखूंगी दम पे, और फिर मैं इसके बाद मैं इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। हमारा कीमा अच्छी तरह दम पर आ गया था, और दम पर आने के बाद हमने इसको एक बॉल में निकाल दिया है, और साथ ही अब हम इसको कचौरियाँ बनाने के लिए, हमने हमारा जो आटा था वो अच्छी तरह स्ट्रे हो गया है तो अब हम इसकी कचौरियाँ बनाएंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक रोलिंग पैन ले लिया है, और एक हमने यहाँ पर ले लिया है ऑयल एक कटोरी के अंदर, और एक हमने यहाँ पर ले लिया है फॉर्क, क्योंकि फॉर्क की मदद से हमने फ्लावर कचौरी बनानी है। तो हम वो कैसे बनाएंगे तो मैं ये आपको बता देती हूँ, हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, प्रॉपरली हम चलते हैं अपनी फ्लावर कचौरी बनाने के लिए। हमने अपनी डो को यहाँ पे निकाल दिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लाइट सा, हमने यहाँ पे लिया मेल्ट हुआ हुआ मक्खन, और हमने इसके ऊपर लगा देना। लगाने के बाद इसको एक अच्छी तरह घूम लेंगे एक बार फिर से कि हमारी जो डो है परफेक्टली रेडी हो जाए। और देखें माशाल्लाह हमारी जो डो है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट सी हो गई है रेडी। अब हम इसकी पेड़े बनाएंगे, पेड़े बनाने के बाद हम इसको गोल गोल से रोटियां बना लेंगे। हमारी जो डो थी हमने उससे पेड़े बना लिए हैं, और पेड़े बनाने के बाद इसकी गोल सी रोटी बना लेंगे, थोड़ी सी मोटी बनानी है, बहुत पतली हमने रोटी नहीं बेलनी इसकी, क्योंकि हमने इसकी जो शेप देना है वो थोड़े से मोटे होने चाहिए, पतले नहीं होने चाहिए, वरना हमारी जो कचौरियाँ हैं फ्लावर कचौरियाँ वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो मैं इसको अच्छी तरह बेल लेती हूँ थोड़ी सी मोटी मोटी सी, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक पेड़ा लिया था और उसकी मैंने ये रोटी बेल ली है, और अब मैंने इस मोड लेना है गोल वाला जो गोल शेप का होता है। अगर आपके पास मोड नहीं है तो आप कोई भी कोई ढक्कन या फिर कोई कैप ले सकते हैं जो कि गोल शेप में हो, तो उससे आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, यहाँ आपने हल्का सा रखना, इसको प्रेस कर देना, घुमा देना है। घुमाने से क्या होगा, आपका जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगा। इसी तरह करके मैं यहाँ पर भी ले लेती हूँ, इसको यहाँ पर कटिंग कर लूँ। ये भी कटिंग हो गया है, अब इसके बराबर में एक और इसको कटिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा एक और यहाँ से हम शेप ले लेते हैं। ये हमारे मोड से हमने बनाए थे, शेप तैयार हो गए हैं, और अब मैं इसको
ये जो बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो मैं इसको कटर से या फिर कोई गोल केप से, आपने इसको गोल शेप दे देना है। मैंने इसको शेप दे दिया है और इस तरह मैं करके सारी शेप बना लूँगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके फ्लावर्स आपने कैसे बनाने और उसकी फ्लावर्स कीमा कचेरी कैसे बनेगी। हमने सारे पेड़ों को अच्छी तरह बेल कर उसकी गोल मोल्ड से इसको गोल शेप दे दिया है और अब मैं इसको बताऊंगी कि आपने इसके फ्लावर्स कैसे बनाने और उसको फ्लावर कीमा कचौरी हम कैसे बनाएंगे। ये करना है, एक शेप लेना है, उसकी जो साइडों पे हमने लगा देना है ऑयल लगा देंगे। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, चाहें तो इसको लई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ ताकि अच्छी तरह इसके ऊपर पेस्ट हो जाए और हम जो इसमें फिलिंग भरे वो ना निकले। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जो कीमा बनाया था वो हम सेंटर में रख देंगे और ओवरलोडेड हम नहीं करेंगे, लाइट से हमने इसको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे सारा कीमा रख दिया है सेंटर में और अब मैं क्या करूँगी, दूसरा जो हमने गोल पीस बनाया था वो दूसरा वाला हमने इसके ऊपर रख देना है। इस तरह रखना है और साइडों हम फिंगर से इसको लाइट सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने एक फॉक लेना है, फॉक की मदद से हमने क्या करना है इसके ऊपर निशान लगाना है यूं कर, ठीक है। हमने ये सारे निशान लगाने, थोड़ा सा डार्क लगाइएगा ताकि जो आपके निशान हैं फ्राई होते टाइम लाइट ना हो और ये सेम एज इट इज़ ऐसी ही रहे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं लाइट लाइट से निशान, थोड़े से डार्क लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए और अब मैंने इसको क्या करना है, इसी फॉक की हेल्प से मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंटर से उठाना है और इसको मैंने यूं प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेंटर से उठाना, फिर मैंने इसको यहाँ पे यूं का प्रेस कर देना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे सेंटर से इसको उठाया और मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ से भी सेंटर से उठाया इसको और यूं का इसको प्रेस कर दिया लाइट सा फिंगर से। इसी तरह हमने यहाँ से भी सेंटर से उठाया और फॉक की मदद से इसको प्रेस कर दिया। फिर हमने यहाँ से सेंटर से उठाया उसको यहाँ पर प्रेस कर दिया, ठीक है। इस तरह देखिए हमारी फ्लावर कीमा कचौरी कम्प्लीटली हो गई है रेडी और हम इसको कर देंगे फ्राई। और इसी तरह करके हमने सारी कीमा कचौरियों को करना है फ्लावर शेप में, शेप देने के बाद फ्राई। फर्स्टली हमने यहाँ पर एक गोल शेप लेना है जिसको हमने मोड की मदद से गोल शेप दे लिया था और उसकी साइडों पर हमने लगा देना है ऑयल ताकि हम जो फिलिंग करें वो ना निकले और अच्छी तरह जो दूसरा वाला हम गोल शेप इसके ऊपर रखेंगे वो उसके ऊपर अच्छी तरह पेस्ट हो जाए। सेकेंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने जो फ्राई कर लिया था कीमा वो हमने सेंटर में इसके रख देना है, लाइट सा रखना है, ज़्यादा नहीं भरना। अगर हम ज़्यादा भर देंगे तो वो ओवरलोडेड हो जाएगा, हमारी कचौरियों से जो कीमा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ये हमने भर दिया है, हमने क्या करना है, दूसरा वाला एक पीस लेना है और इसके ऊपर रख देना है। हमने दूसरा शेप लिया है और इसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद हमने फिंगर की हेल्प से इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हमने फॉक लेना है और फॉक की हेल्प से हमने इसके ऊपर निशान लगाने, देखें किस तरह लगा रही हूँ, थोड़ा सा डार्क लगाइएगा आप लोग ताकि फ्राई होते टाइम ये ऐसी रहे, इसका शेप जो है वो लाइट ना हो। लाइट लाइट सा इसको प्रेस करते हुए डार्क हमने निशान लगा देने, हमने निशान लगा दिए फॉक की हेल्प से। देखें हमारा हाफली तो फ्लावर हो गया है रेडी। अब हमने इसकी पत्तियाँ बनानी है, वो हम कैसे बनाएंगे। फर्स्टली हमने क्या करना है, देखिए ये आपने हिस्सा ले लेना है फॉक का और इसकी हेल्प से आपने इसको उठाना है। उठाते ही आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ से उठाया और इसको भी मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ से उठाऊंगी और इसको भी यहाँ से प्रेस कर दूंगी। इसी तरह मैंने यहाँ से उठाना है और इसको भी यूं का प्रेस कर देना है। यहाँ से उठाएंगे और इसको भी हम यूं का प्रेस कर देंगे। हमारा हो गया है कीमा फ्लावर कचौरी हो गई है तैयार। और इसी तरह करके देखिए हमारी फ्लावर कीमा कचौरी हो गई है कम्प्लीटली रेडी और हमने सारी कचौरियों को इसी तरह देना है शेप ताकि हमारी कचौरियाँ बहुत ही परफेक्टली हो जाएं रेडी, ठीक है। तो हमने इसी तरह शेप देना है और सना करके मैं अपनी सारी कचौरियों को कर लूँगी रेडी। फिर मैं आपको बताऊँगी हम इसको फ्राई कैसे करेंगे। माशाल्लाह से हमारी फ्लावर कीमा कचौरी परफेक्टली हो गई है रेडी। हमने इसको कम्प्लीटली शेप दे दिया है और देखिए इसका बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बैक साइड देखें कितना खूबसूरत आया है, जिस तरह ये फ्रंट्स है बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसी तरह इसका बैक भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये कीमा कचौरी हो गई है तैयार, जिसको हम बोल रहे हैं फ्लावर कीमा कचौरी परफेक्टली रेडी हो गई है। अब मैं इसको करूँगी फ्राई और इसको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना। तो अब हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है ऑयल और ऑयल में हम ये शामिल कर देंगे हमने जो फ्लावर कीमा कचौरियाँ बनाई हैं। वन बाय वन पहले हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसको सारी फ्राई करते जाएंगे। पहले हम चेक कर लेंगे हमारा तेल कितना गर्म हुआ है और हमें किस तरह फ्राई करनी है, हमने सारी डीप फ्राई करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दी है, इसी तरह करके मैं सारी कचौरियाँ इसमें डाल दूंगी, उसको जाऊंगी।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह हमारी फ्लावर कीमा कचोरी राइज हो रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसको पलट दूंगी और दूसरी साइड से भी इसको पका लूंगी। एक साइड से ये देखिए कितना प्यारा कलर आया, एक साइड से मैंने इसको पलट दिया ताकि मैं इसका दूसरी साइड भी इसको अच्छी तरह कुक कर लूँ और उसका भी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसी तरह सारी फ्लावर कीमा कचोरी को कर लेंगे हम फ्राई। हमारी फ्लावर कीमा कचोरी हो गई है परफेक्टली और कम्प्लीटली रेडी और हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब मैं इसको करूंगी डिश आउट। हाँ, ये आगे से बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, इसी तरह पीछे से भी इसका बैक साइड जो है वो भी बहुत प्रेजेंटेबल है। और देखिए इसकी सारी पत्तियाँ खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही है कि शेप इसका परफेक्टली हमने इसको खूबसूरत से तैयार कर लिया है। और अब मैं इसको करूँगी प्रेजेंट। मैं जो फ्लावर कीमा कचौरी बना रहे हैं उसके साथ जो हम इसके साथ जो सॉस इस्तेमाल करेंगे वो है मायो ग्रीन चिल्ली सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, हमने 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज ले लेनी है। इसके अलावा हमने 1 अदद ले लेनी है हरी मिर्च, आप छोटी भी ले सकते हैं बड़ी भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और हमने 1/2 टीस्पून ले लेना है हरा धनिया और 1/2 टीस्पून हम इसको ले लेंगे पुदीना और उसको अच्छी तरह कर लेंगे हम चॉप। तो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और डालने हैं। सबसे पहले हमने एक चॉपर लेना है, उसके अंदर हमने ये हरा धनिया और पुदीना डाल देना है और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे और उसको अच्छी तरह कर लेंगे चॉप। और पुदीने को अच्छी तरह चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद हमने यहाँ पर मायोनीज लिया है, मायोनीज में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून, हमने डाल देना है सॉल्ट। इसी तरह हमने यहाँ पर डाल देनी है 1/4 टीस्पून काली मिर्च जिसको ब्लैक पेपर भी कहते हैं और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चॉप हुआ हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्चें। हमने चॉप इसलिए किए, हम इसका पेस्ट भी बना सकते थे, चॉप इसलिए किए इसका चॉप करने का जो फ्लेवर होता है जब ये बिल्कुल सॉस परफेक्टली रेडी हो जाएगा तो इसका अलग ही फ्लेवर आएगा चॉप हुए हुए का। पेस्ट बनाकर तो हम हमेशा नॉर्मली खा ही लेते हैं, चॉप हुई भी जो चीज़ होती है उसका अलग ही फ्लेवर होता है। मज़ेदार सा ये सॉस तैयार हो गया है जिसको हम फ्लावर कीमा कचौरी के साथ करेंगे सर्व। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा मायो ग्रीन चिली सॉस हो गया है कंप्लीट रेडी, जिसको हम प्रेजेंट करेंगे और सर्व करेंगे फ्लावर कीमा कचौरी के साथ। अब मैं अपनी कीमा कचौरी जिसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है फ्राई, इसको कर लूँगी सर्व इसके साथ। हमारी मज़ेदार सी फ्लावर कीमा कचौरी हो गई है कम्प्लीटली रेडी और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी और बहुत सॉफ्ट सी बनी है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है और बाहर से बहुत क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। हम इसको सर्व कर रहे हैं मायो ग्रीन चिली सॉस के साथ जो कि बहुत टेस्टी बनता है, बहुत यूनिक सी रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं टी टाइम पे एज अ स्नैक, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और जब कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए भी आप लोग पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तो झटपट इसको फ्राई करें और मेहमान के आगे पेश कर दें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका लुक होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी होती है, खाने में ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहें तो कभी लॉन्ग ट्रैवल पर या पिकनिक पर जा रहे हो तो आप इसको लेकर जा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक, वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।